मित्रों, हिंदू धर्म में रामायण व महाभारत का एक अलग स्थान प्राप्त है। ऐसा शायद ही कोई हिंदू हो जो रामायण व महाभारत के बारे में न जानता हो। दरअसल रामायण त्रेता युग में घटित एक ऐसी घटना थी जो इतिहास में हमेशा के लिए यादगार रहेगी। रामायण भगवान राम के जीवन से जुड़ी है, जिसके चलते इसे रामायण का नाम दिया गया। कहते हैं कि जब भगवान राम की माता कैकेयी ने राम को 14 वर्षों का वनवास की आज्ञा दी थी, तब राम अपनी भार्या सीता व छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वन में निवास करने गए थे। जब राम जी को वन में रहते करीब 13 वर्ष बीत गए थे, तब लंका का राजा रावण को श्री राम की पत्नी सीता पर नजर जाती है और रावण अपने बहन सूर्पनखा का बदला लेने के लिए माता सीता का हरण करता है और फिर लंका लेकर जाता है। जब राम को सीता के अपहरण का पता चलता है तो व्याकुल होकर उनकी तलाश में जुट जाते हैं। इसी बीच राम की मुलाकात हनुमान से होती है और सुग्रीव से मित्रता भी। सुग्रीव व हनुमान आदि ने सीता की खोज में अन्य दिशाओं में यात्रा की। तब हनुमान को सीता की भनक लगी और हनुमान जी ने लंका में जाकर अपनी पूंछ में आग लगाकर लंका को जलाया। ये सारी घटना रामायण में वर्णित है, परंतु आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अधिकतर लोग रामायण को सच मानते हैं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रामायण को काल्पनिक मानते हैं। लेकिन हम आज के वीडियो में आपको रामायण से जुड़ी कुछ ऐसे सबूत पेश करने जा रहे हैं जो यह साबित कर देगा कि रामायण कोई काल्पनिक कथा नहीं थी बल्कि इतिहास में घटित एक घटना। द्रोणागिरी पर्वत। रामायण में इस बात का जिक्र है कि जब लक्ष्मण और मेघनाथ में युद्ध हुआ था, तब मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण को वर्षी लगी थी जिससे लक्ष्मण मूर्छित हो गए थे। तब वैद्य सुसेन के कहने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने द्रोणागिरी पर्वत गए थे, परंतु हनुमान जी को संजीवनी की पहचान ना हो पाई थी, जिसके चलते हनुमान जी संपूर्ण पर्वत ही उठा लाए थे और फिर लक्ष्मण का इलाज हुआ था और फिर पुनः श्रीराम की आज्ञा से उस पर्वत को उसी स्थान पर रखा गया था जहाँ से हनुमान जी उसे उठा लाए थे। और वह द्रोणागिरी पर्वत आज भी मौजूद है और एक रिसर्च के अनुसार इस पर्वत पर कुछ औषधीय पौधे भी पाए गए हैं जो और कहीं नहीं मिलते, जिससे यह साबित होता है कि रामायण कोई काल्पनिक कथा नहीं थी। राम सेतु। रामायण में राम सेतु का वर्णन साफ तौर पर किया गया है, जिसका निर्माण वानर सेना के द्वारा किया गया था। जब श्री राम को लंका तक पहुँचने के सारे रास्ते बंद हो गए थे, तब नल नील व उसके सभी वानर सेना द्वारा रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका तक का समुद्र में राम सेतु का निर्माण किया गया था, जिसमें ऐसे पत्थरों का इस्तेमाल हुआ था जो पानी पर तैर सकते थे। एक रिसर्च के अनुसार यह सेतु का निर्माण आज से करीब 17 लाख वर्ष पहले हुआ था। तो वहीं वैज्ञानिक गणना के अनुसार रामायण की घटना भी 17 लाख वर्ष पहले की थी। इस सेतु में इस्तेमाल किए गए पत्थर आज भी पानी में तैरते हैं और यह सेतु आज भी मौजूद है, जो यह साबित करता है कि रामायण कोई काल्पनिक कथा नहीं थी। अशोक वाटिका। रावण द्वारा सीता हरण करने के बाद रावण ने सीता को अशोक वाटिका में रखा था, क्योंकि सीता ने रावण के महल में जाने से मना कर दिया था। वह अशोक वाटिका आज भी मौजूद है, जो आज नुवारा एलिया के नाम से जाना जाता है, जो श्रीलंका में स्थित है। जानकी मंदिर। नेपाल के जनकपुर शहर में स्थित है जानकी मंदिर, जिसे त्रेता युग का बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर अति प्राचीन मंदिर है, जिसे कई बार जीर्णोद्वार किया गया है। सीता जी के पिता का नाम जनक था, जिनके नाम पर इस स्थान का नाम जनकपुर पड़ा था। जनकपुर में स्थित यह जानकी मंदिर रामायण का जीता जागता सबूत है। हनुमान जी के पदचिन्ह। हनुमान जी सीता की तलाश के वक्त व अन्य वक्त जब विशालकाय शरीर धारण किए थे, तब उनके पदचिन्ह कई स्थान पर बने थे, जिसका निशान आज भी श्रीलंका व कई अन्य क्षेत्रों में देखा जा सकता है। सीता कोतवा। इस स्थान के बारे में कहा जाता है कि जब रावण ने सीता का हरण किया था, तो सर्वप्रथम सीता को कोतवा लेकर गया था, जिसका वर्णन रामायण में मिलता है और यह स्थान श्रीलंका में आज भी मौजूद है, जिसे सीता कोतवा के नाम से जाना जाता है। वर्तमान में यह स्थल श्रीलंका का एक पर्यटन स्थल बन चुका है। पानी में तैरता पत्थर। रामायण में इस बात का जिक्र मिलता है कि सुग्रीव सेना में नल और नील नामक दो वानर भाई थे, जिन्हें यह वरदान प्राप्त था कि वह जिस पत्थर को छू देंगे वह पानी में तैरता रहेगा, और तैरने वाले पत्थर के कारण ही संपूर्ण राम सेतु का निर्माण हुआ था। यह पुल सुनामी के बाद भी अपने स्थान पर अड़िग है और उस स्थान से लिए गए पत्थर को आज भी पानी में रखने पर तैरने लगता है। कई वैज्ञानिक शोध के बाद इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाता है और यह बात भी साबित करता है कि रामायण कोई काल्पनिक नहीं थी। रावण का महल। श्रीलंका के पुरातत्व विभाग के खुदाई के दौरान एक ऐसा महल मिला है जो अद्भुत व अविश्वसनीय है, जिसके कई गुप्त रास्ते हैं जो शहर के मुख्य केंद्रों तक जाते हैं। एक रिसर्च के अनुसार यह प्रमाणित हुआ है कि ये रास्ते अति प्राचीन काल के मानव निर्मित है और रामायण के अनुसार रावण के महल वर्तमान के खुदाई में मिले इस स्थान को समान जगह पर बताया गया है,
जो यह साबित करता है कि रामायण में बताई गई बातें सच थी। श्रीलंका में हिमालय की जड़ी बूटियों का मिलना भी इस बात का पर्याप्त सबूत है कि लक्ष्मण को संजीवनी देने की घटना पूर्ण रूप से सत्य थी, क्योंकि ये जड़ी बूटियों के पौधे उसी स्थान पर मिले हैं जहाँ लक्ष्मण को संजीवनी दी गई थी। लंका दहन के वक्त हनुमान जी ने लंका में आग लगा दी थी, जिसके प्रमाण आज भी मिलते हैं। जलने के बाद लंका की धरती उतनी दूर काली हो गई थी, जिसका प्रमाण आज भी श्रीलंका में मौजूद है। वैसे श्रीलंका की भूमि का रंग भूरा है, परंतु रामायण के अनुसार जिस स्थान पर लंका दहन का कांड हुआ था वह स्थान आज भी काला है, जो कि एक आश्चर्यजनक घटना है। और ऐसे कई आश्चर्यजनक साक्ष्य भारत व श्रीलंका में आज भी मौजूद है, जो यह साबित करते हैं कि रामायण एक सत्य घटना थी। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। नमस्कार।